नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित मोबाइल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है यहाँ पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ जियो का। मेरे पास आज एक फ़ोन है, वो है जियो का F220B फ़ोन। और इस फ़ोन के अंदर जो प्रॉब्लम आता है दोस्तों, आता नहीं आया है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, हम चार्ज में लगा लिए हैं फ़ोन को, बाकी यहाँ पर आप खुद देख लीजिए क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ये फर्स्ट बैटरी है और हम यहाँ पे डाले हैं, बाकी यहाँ पे 50% शो कर रहा है। चाहे कोई सा भी बैटरी हम डालें, भले ही वो बैटरी 80% चार्ज हो या 100% चार्ज हो या 0% चार्ज हो, लेकिन इस फ़ोन के अंदर जो प्रॉब्लम होता है दोस्तों, वो 50% ही दिखाता है और 50% से बढ़ भी नहीं पाता है। चलिए मैं आपको दूसरा बैटरी वैसे चेक कराता हूँ। मैं दिखाने के लिए नया नया बैटरी कई सारा रख लिया हूँ। देखिए, ये हाईटेक का एक पुराना बैटरी है, ठीक है, इसको हम साइड रख लेते हैं। बाकी दूसरा हम एक मैक पावर का बैटरी लेते हैं, देख लीजिए यहाँ पे। और ये बैटरी मेरा चार्ज है वैसे, बाकी हम इसी को लगा लेते हैं। तो यहाँ पे नहीं बैठ रहा था, बैठ गया अभी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जो कि दूसरा बैटरी हम डाल चुके हैं और यहाँ पे इसको भी लगाते हैं, क्या होता है। तो यहाँ पर ये बैटरी भी मेरा 50% ही शो कर रहा है, दो हो गया। अब एक तीसरा बैटरी भी मैं आपको डालकर दिखाने वाला हूँ इसी वीडियो में, ताकि आप लोगों को संतुष्ट हो जाए कि हाँ, इस तरह का बीमारी था इस फ़ोन में यार, इसका बैटरी बहुत ज़्यादा टाइट हो गया था। चलिए इसको भी रख लेते हैं। अब एक हाईटेक का ही बैटरी है दूसरा, इसको भी हम डाल लेते हैं। चलिए यहाँ पे जो तीसरा बैटरी था वो भी हम डाल लिए हैं, ठीक है, देख सकते हैं। और यहाँ पर चार्जिंग लिया है, तो यहाँ पर ये बैटरी भी मेरा 50% शो कर रहा है। तो यहाँ अभी तक तीन बैटरी डाल दिए हैं और तीनों बैटरी मेरा 50% ही शो कर रहा है। यार, गाड़ी का बहुत आना जाना है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है वीडियो शूट करने में, इसलिए ज़्यादातर वीडियो नहीं बना पाता हूँ। चलिए कोई नहीं, फिर भी एडजस्ट करके बना रहा हूँ। तो यहाँ पर ये तीसरा बैटरी जो डाला हूँ, ये भी 50% ही शो कर रहा है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम जो है मेरा, वो कहाँ से है और किस तरह से ये प्रॉब्लम आया है। और इस फ़ोन को जो है हम भर दिन भी लगा कर छोड़ देंगे ना, प्रॉपर चार्जिंग सप्लाई भी मिल रहा है, फिर भी भर दिन लगा कर भी छोड़ेंगे तो भी ये 50% ही शो करता है। ये फ़ोन आज से एक आध दो दिन पहले ही रखा हुआ था, बाकी इसमें चार्जिंग सीसी चेंज करके और चार्ज में लगा दिया, लेकिन 4 से 5 घंटा लगा रहा है फिर भी 50% ही शो कर रहा था और स्टार्टिंग भी 50% से ही हुआ था। तो चलिए देखते हैं आखिर कहाँ से प्रॉब्लम है ये मेरा। फ़ोन को हम कर लेते हैं ओपन और उसके बाद मिलते हैं आपसे और दिखाते हैं प्रॉब्लम आखिर कहाँ से होता है और ये क्यों प्रॉब्लम आई, ये भी बताऊंगा मैं आपको। तो चलिए हम तीनों बैटरी को यहाँ पे रख लेते हैं और यहाँ पे पेज तो मेरा पहले से निकला हुआ है। अभी के दौर में तो हर एक मोबाइल का देखते हैं स्क्रू जो है गायब रहता है। यहाँ पे जो है देख सकते हैं, वैसे पहले से वर्क भी किया हुआ है, बाकी सिर्फ जैक, मेरे यहाँ जो है सिर्फ जैक लगा है इसका, देख लीजिए क्या स्थिति है इस फ़ोन का, आप तो देख ही सकते हैं। पूरा जो है बहुत सारा कंपोनेंट्स निकला हुआ है यहाँ से, देख लीजिए। लेकिन चलिए कोई नहीं, फ़ोन तो ऑन है, बाकी जो प्रॉब्लम हो रहा है उसे हमें देखना है सिर्फ, ये क्या है उससे कोई बहस नहीं है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, सबसे पहले हमें क्या टेस्ट करना है पता है। देखिए दोस्तों, इस तरह का प्रॉब्लम जो है ज़्यादा हमें बैटरी कनेक्टर से भी मिलता है। तो यहाँ पे हमें तीनों बैटरी कनेक्टर पे तीनों पे सप्लाई चेक करना है और सप्लाई चेक करने के बाद देखना है कि तीनों पे आखिर प्रॉपर सप्लाई जो है वो मिल रहा है या नहीं, निगेटिव पे निगेटिव, पॉजिटिव पे पॉजिटिव और बीच में जो BSI है वो भी हम यहाँ पर चेक करेंगे। इस पर भी सप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है या क्या हो रहा है, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमें चेक क्या करना है वो समझ लीजिए। यहाँ पे जो है सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि मेरे बैटरी कनेक्टर पे जो है प्रॉपर तीनों पे सप्लाई सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे जो है हमें पॉजिटिव पोर्ट को ग्राउंड पे रख लेना है और निगेटिव को रखना है कहाँ, ये देखिए प्लस है तो इस पर मिल रहा है प्लस का, और ये मेरा जो है निगेटिव यानी माइनस रहा है तो माइनस पर भी मिल रहा है और प्लस पर भी मिल रहा है। लेकिन जो बीच का है दोस्तों, वो है BSI, इस पे जो है हमें कुछ भी रीडिंग नहीं मिल रहा है। और सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम आया कहाँ से। देखिए दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम जो है ना, ज़्यादातर हम लोग भी पैदा कर देते हैं, तो इस बात को कभी भी ध्यान में रखा कीजिए, है ना। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा ही दिया हूँ कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ से था और ये प्रॉब्लम आया कैसे, ये भी मैं आपको प्रॉपर इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले हुआ था क्या, कस्टमर जो है ले गया था कहीं पर मोबाइल अपना रिपेयर करवाने,
रिपेयर कराने के क्रम में जो है यहाँ पे क्या क्या बैटरी कनेक्टर चेंज किया था, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे ये जान लीजिए। देखिए बैटरी कनेक्टर चेंज करते समय जो है यहाँ पे उनसे प्रिंट चला गया माइनस और प्लस, पॉजिटिव और निगेटिव को तो सॉल्व कर दिया, बाकी बीच का जो बेस था उसको छोड़ दिया है, जो BSI लाइन बीच का जो होता है उस लाइन को छोड़ दिया है। तो सबसे पहले हमें उसको जम्पर करना है अभी, और इस बात को भी ध्यान में रखना है कि आगे अगर कोई फ़ोन मेरे पास आता है तो इस तरह का हम गलती नहीं करेंगे, इससे जो है कस्टमर भी आपका टूट सकता है। देखिए होता है क्या, अब अगर मान लीजिए आपके पास कोई कस्टमर फ़ोन लेकर के आया, अगर बैटरी कनेक्टर चेंज करवाने के लिए अगर अदर प्रॉब्लम कहीं से आ गया, तो कस्टमर ये तो सोचेगा ही कि वो फ़ोन मेरा यहाँ पे ख़राब कर दिया, या बहुत तरह से बहुत बात सोच सकता है। बाकी चलिए मेरे पास दूसरा बोर्ड है, हम चेक कर लेते हैं कि इसका जो है सप्लाई आखिर कहाँ जाता है, कहाँ से हमें जम्पर उठाकर कहाँ से कहाँ तक करना है। तो यहाँ पर जो है हम क्या किए हैं, जूम कर लिए हैं, बाकी बीच का जो लाइन है BSI लाइन उस पर हम एक पोर्ट को रख लेते हैं। इस पर हम एक पोर्ट रख लेते हैं और दूसरा जो है कहीं पे रखते हैं जहाँ देखिए यहाँ पे जो है मिल रहा है, तो यहाँ से लेकर के इस पर हमें एक जम्पर कर देना है। यहाँ पे आप समझ चुके हैं बीच का जो BSI है बीच वाला से लेकर के ये पॉइंट जो दिख रहा है इस पॉइंट पे हमें जम्पर करना है। अभी फ़िलहाल हम करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको प्रॉब्लम मेरा है सॉल्व हुआ या क्या हुआ, वो मैं प्रॉपर इसी वीडियो में दिखाऊंगा आप लोगों को। तो यहाँ पे जो है जम्पर मेरा हो चुका है, देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं क्या BSI जो लाइन है मेरा जो कटा हुआ था उस पर जो है सप्लाई मिला या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रीडिंग जो है वो मेरा मिल चुका है बीच वाले पे, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं क्या होता है, जो मेरा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ या नहीं हुआ है, वो तो आगे चेक करने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए फ़ोन को हम क्या करते हैं ऑन ही रहने, खुला हुआ रहने देते हैं और चेक कर लेते हैं। तो चलिए कोई सा भी तीनों बैटरी लगाकर अभी मैं आप लोगों को चेक करवाऊंगा, ताकि ऐसा ना लगे कि मान लीजिए ये कोई गलत या कुछ ऐसा था, वो बात नहीं लगना चाहिए। देखते हैं कितना से स्टार्ट होता है, देख लीजिए दोस्तों ये 0% से स्टार्ट हुआ है, यानी जो बैटरी मेरा था वो डाउन था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 0% से स्टार्ट हुआ था, मैक पावर वाला था। बाकी एक हाईटेक का है, देखते हैं वो क्या है, वो डाउन है या चार्ज है, वो तो देखने को मिलेगा बाद में। अब जो है यहाँ पे जब हम सॉल्व कर दिए हैं तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है पता है, कोई भी बैटरी लगाते हैं तो 0 से ही स्टार्ट हो रहा है। देखते हैं आखिर क्या प्रॉब्लम है आज इस फोन में। देखिए अब यहाँ पे दो बैटरी हम लगा चुके हैं, दोनों को 0 से ही स्टार्ट किया, यानी स्टार्टिंग जो 0 है वहाँ से स्टार्ट हुआ है। बाकी देखते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक और मैं आपको बात बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे इससे पहले हम जो वर्क किया हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ जो मुझे पता है। तो चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं ताकि क्लीन मुझे दिखे। ये जो है इस फ़ोन को हम कंप्लीट कर लिए हैं, बाकी मैं दिखा रहा हूँ और भी प्रॉब्लम था इसमें वो कहाँ से था। देखिए बहुत बार ये होता है कि फ़ोन आपका चार्जिंग होता है बाकी ऑन नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे इसके बगल में देखिए ये लगाए हैं फिलहाल और ये हम दोनों चीज़ डाले हैं, बाकी इसको शॉर्ट भी कर दीजिएगा तो काम आपका हो जाएगा। इससे पहले हम इस पर वीडियो बनाए हुए हैं कि फ़ोन आपका चार्ज हो रहा है लेकिन ऑन नहीं हो पाता है तो यहाँ से प्रॉब्लम होता है, इस जगह से, इस रजिस्टर से, ठीक है। बाकी यहाँ पे एक और फॉल्ट था वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो कि हम लोगों का गलती किया हुआ है इस फ़ोन में, ठीक है। चाहे देखिए भाई हमसे गलती हो या कोई और मेरे मैकेनिक भाई गलती किए हैं, बाकी गलती तो हुआ है तो गलती को हम गलती ही कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक 6 लाइक लेग का IC लगा हुआ था जो कि यहाँ पे ग्राउंड से टच था, इस साइड वाला पॉइंट जो है ग्राउंड था और यहाँ से लेकर के यहाँ पे जो है ये इस पिन से, यानी इस वाला पिन से टच हो रहा था।
तो दोस्तों यहाँ पे तो आप समझ ही गए। देखिए यहाँ पे 0% का जो प्रॉब्लम आता है यहाँ से भी आता है, अगर मान लीजिए टच हो जाए ये लेग से और ग्राउंड में तो भी प्रॉब्लम आता है। बाकी यदि मान लीजिए यहाँ का जो रजिस्टर्ड है ओपन हो जाए तो भी, अगर मान लीजिए 50% चार्ज हो जाएगा फिर से लगाइएगा तो 0 से स्टार्ट होगा। इस रजिस्टर्ड से ये प्रॉब्लम आता है जो कि हम कन्फर्म हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलिए आगे हम दिखा देते हैं, प्रॉपर फ्रेम में सेट करके तीनों बैटरी को चेक करवा दूंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पुराना वाला है, देखते हैं इसमें कितना चार्जिंग है। यहाँ पे जो है ना सबसे मेन बात क्या है पता है, यहाँ पे देखिए सही से गौर से देखिए कि कहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है, ये आपको सही से देखना है तभी आप समझ पाइएगा। तो दोस्तों देख लीजिए, जो पुराना वाला बैटरी था वो मेरा 31% चार्ज था, देख लीजिए, जो कि 50 शो करता था या तो 0 शो करता था। सेकेंड इस बैटरी को हम साइड करते हैं, दूसरा हाईटेक का ही बैटरी डाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो है दोस्तों आप देख सकते हैं जो कि ये 63% चार्ज रहा। दूसरा जो बैटरी मेरा न्यू वाला हाईटेक का था वो बैटरी का बात कर रहा हूँ। अब चलते हैं एक मैक पावर, यानी तीनों बैटरी आपको चेक कराना था इसलिए कि मैं पहले बोल चुका था और वो चेक भी करवा दिया हूँ। और ये जो है मेरा 64% चार्ज रहा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं फ़ोन मेरा कंप्लीट हो चुका था, और प्रॉब्लम कहाँ से था वो भी आप देख लिए हैं, समझ गए हैं प्रॉब्लम कहाँ कहाँ से होता है। कभी भी आपके पास फ़ोन आए तो सबसे पहले आपको डायग्नोस करना है, देखना है सही से कि प्रॉब्लम आखिर कहाँ से हो रहा है, कहीं से कोई चीज़ शॉर्ट तो नहीं है मेरा, या कहीं से ग्राउंड से अटैच तो नहीं हो रहा है। तो हर एक बात को जो है ना देखना है समझना है, उसके बाद ही जा करके आप मोबाइल को रिपेयर कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए वहाँ पर आप बिना देखे और बस डायरेक्ट एक जंपर कर दीजिए सॉल्व हो जाएगा, तो जरूरी नहीं है कि जहां से हम जहां तक जंपर किए हैं वहीं पे प्रॉब्लम होगा, कहीं से भी हो सकता है। तो इसलिए किसी भी बोर्ड को सही से पहले ट्रेस कीजिए, देखिए कहां से प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो आज का ये छोटा सा वीडियो था, बस वीडियो पसंद आया होगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं 65%, यानी 1% बढ़ भी गया है। चलिए उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं बनाता रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगा। हाँ, यदि आप ये वीडियो मेरा फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो इंस्टाग्राम पे जाकर के आप लोग फॉलो कर सकते हैं।